आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार देगा। गांडे उपचुनाव को लेकर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद है। चंद्रप्रकाश चौधरी, उमाकांत रजक, रामचंद्र सहिस कुशवाहा, शिवपूजन मेहता भी इस बैठक में मौजूद है। तो आजसू संसदीय बोर्ड की ये बैठक चल रही है। गांडे उपचुनाव को लेकर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी और लोकसभा सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय बोर्ड की यह बैठक चल रही है और आजसू अपना उम्मीदवार देगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। जब बैठक खत्म होगी तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है संसदीय बोर्ड की ये बैठक चल रही है। वही बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ बातें फिलहाल, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? तो एक बार फिर से हम रुख करते हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारे सहयोगी तक, अब आवाज आ रही है आप तक राकेश? राकेश, देखिए आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक जो है चल रही है, अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। क्या कुछ जो है फिलहाल अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है संसदीय बोर्ड की यह बैठक, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठक कॉल की गई है। और बैठक के बाद जो गिरिडीह सीट पर चूंकि आजसू को अपना उम्मीदवार देना है तो उस उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। अब मंथन का दौर जारी है, तमाम बड़े चेहरे आजसू पार्टी के जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जो संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं, मसलन अगर हम बात करें तो आजसू प्रमुख सुदेश महतो इस बैठक में मौजूद हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद हैं, इसके अलावा रामचंद्र सहिस की मौजूदगी है। तो तमाम बड़े चेहरे आजसू पार्टी के, उमाकांत रजक, ये तमाम लोग जो संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और गिरिडीह में चूंकि आजसू को अपना उम्मीदवार देना है तो औपचारिक तौर पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। लगभग ये तय माना जा रहा है, तस्वीर साफ है कि पिछली बार जो उम्मीदवार थे गिरिडीह में आजसू की तरफ से चंद्रप्रकाश चौधरी, इस बार भी चंद्रप्रकाश चौधरी के चेहरे पर ही पार्टी जो है वो दाव लगाने जा रही है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ आप कह सकते हैं कुछ मिनटों के बाद उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जो गांडे में उपचुनाव होना है उस उपचुनाव को लेकर भी जो संसदीय बोर्ड की बैठक अभी जारी है उसमें मंथन हो रहा है, उसमें विचार विमर्श किया जा रहा है और पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी वहाँ गांडे उपचुनाव को लेकर, उस पर भी विचार विमर्श होगा। क्या गांडे में पार्टी अपना उम्मीदवार देगी या नहीं देगी, उम्मीदवार बीजेपी से होगा या आजसू से होगा, इन तमाम विषयों पर मंथन है, चिंतन का दौर जारी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो गिरिडीह की सीट को लेकर, चूंकि जो औपचारिक ऐलान होना है
तो उसके लिए अब थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। महज आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के बाद बैठक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए कैसे समन्वय बनाकर पार्टी चलेगी इस पूरे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सिर्फ एक सीट पर आसू ने अपना उम्मीदवार दिया है गिरिडीह पर, बाकी तमाम जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार है। आसू बीजेपी फोल्डर में है, एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से सपोर्ट करना है, समन्वय क्या होगा पार्टी का और कैसे समन्वय बनाकर इस पूरे चुनाव में आसू पार्टी आगे बढ़ेगी, उसकी भूमिका क्या होगी, इन तमाम विषयों पर संसदीय बोर्ड की बैठक में मंथन और चिंतन का दौर जारी है। चलिए नज़र बनाए रखिए राकेश, अब बैठक खत्म होगी उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान जब होगा तो देखने वाली बात होती है किन किन लोगों का नाम जो है उम्मीदवारी पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।